लोकसभा चुनाव खत्म होने और पीएम पद की शपथ के बाद भी लोकसभा स्पीकर को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वैसे तो पिछले दो बार से बिना किसी टकराव के लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष मजबूत बनकर उभरा है। जिसके बाद अब विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, जो 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 26 जून को नई लोकसभा के अध्यक्ष को भी चुना जाएगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें विपक्ष सहमति के आधार पर लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग रखेगा, लेकिन अगर सहमति नहीं बनी तो वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार सकता है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा शुरू करेगा। आमतौर पर ये परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है। लोकसभा में इस बार स्थिति काफी बदली हुई होगी। 10 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सदन में होगा, साथ ही विपक्ष की संख्या भी अच्छी रहेगी। ऐसे में वो हर मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को इस बार 233 सीटें मिली हैं। इनमें अकेले कांग्रेस की करीब 99 सीटें हैं। साल 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 16वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के अन्नाद्रमुक को दिया गया था, जिसकी ओर से एम थंबीदुरई डिप्टी स्पीकर बन गए थे। वहीं साल 2019 में 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं किया गया, ये पद पूरे समय खाली ही रहा। अब ऐसे में जब एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए अपनी दावेदारी शुरू कर दी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पद को कौन अपने पाले में शामिल करता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।